I'm open to flirt with everyone. बिग बॉस के लिए मैंने हाँ तब बोला जब मुझे बिग बॉस का ऑफर आ गया था, क्योंकि मुझे बचपन से बिग बॉस करना था और बिग बॉस का ऑफर आया तो मैं इसको मना कर ही नहीं सकता। सो मैंने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं नॉर्मली अपने गांव से यहाँ पे आया था, स्ट्रगल कर रहा था, धीरे 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 वक्त बिताया, लोग मिलते गए, जानते गए, सेम। सो वैसा सही है, कोई परसेप्शन नहीं है, बस वहाँ घर पर जाऊँगा, देखूँगा कौन कैसा है। मेरी चीज़ें शेयर कर, मैं अपने कपड़े शेयर नहीं करूँगा और बाकी शेयर करने वाली कुछ चीज़ें तो है नहीं। और रही बात है, घर में रहते हैं तो मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, हमेशा से बैचलर रहा हूँ, अभी भी अपने घर पे जब छोटू नहीं होता तो खाना बनाना पड़ जाता है यार, तो उसमें कोई टेंशन है ही नहीं। तो वो सबसे तो मैं एकदम उस वो ही उन्हीं सब चीज़ों की वजह से तो हाँ बोला है मैंने कि ये सब मैं कर लेता हूँ। आई एम ओपन टू फ्लर्ट विद एवरीवन। वो तो पता चलेगा नेशनल टेलीविजन में जाके ही ना कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आई विल बिकम अमूजा सीमेंट बीच वाला, ये दीवार टूटी क्यों नहीं भाई, तोड़ने नहीं दूंगा, तुम दोनों साइड में रहो, कप में लेके जाता हूँ, ठीक है ना, ऐसा सा रखने वाला हूँ मैं उसमें मुझे ना दोनों में से कोई सही नहीं है। ग्रुपिज्म करके तो पहले मुझे ग्रुप में जब बातें होती हैं ना तो कोई एक दूसरे को सही और गलत ही समझा ठहराते हैं। बस मुझे थोड़ा सा वो लग जाता है कि जो सिद्धार्थ का ग्रुप है ना वो बहुत अग्रेसिव है, वो दोनों बहुत अग्रेसिव है, उनको उतना अग्रेसिव होने की जरूरत है नहीं, बाकी सब चिल्ड आउट है, बाकी सब सही है। सिद्धार्थ ही खेल रहा है यार तरह से, सिद्धार्थ मतलब सभी खेल रहे हैं। फिर क्या है ना कि बस उनको ना अपने उनकी एक जो अच्छी बात है कि वो इतने कॉन्फिडेंट हैं ना कि उनको ये डर नहीं है कि लोग जज करेंगे उनकी बातों को, उनकी सोच को, और बाकी लोग ना इसी में मर जा रहे हैं अपने आप को ही जज होने और ना होने के बीच में रख के। सो वो उसकी वजह से मैं कोई नहीं, बाकी सब खा जाएंगे देखना ना ऐसे सब। तो मैं बोलूँगा चौराहा चौक नहीं है भाई, घर है, चिल्ला मत, इतना चौड़ा होने की जरूरत नहीं है, ताऊ का घर नहीं है। अगर ताऊ का होता तो फिर मेरे ताऊ, मेरे बाबूजी, मेरे माँ अम्मा सबका घर बन जाएगा फिर। नहीं फेक नहीं है, वो सही है, उसको पता है कि वो क्या है, उसको पता है कि मैं इसको भी बोलूँगी, इससे भी इधर भी जाना है, उसको पता है मुझे इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। सो शी इज स्मार्ट इनफ टू अपने आप को रखने के लिए भी और अपने आप को अपने तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भी। लोग बदल जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, एवरीवन। कनिंग यार मुझे वो क्या बोलता हूँ मैं, सिद्धार्थ है, उसको जो कुछ करता है ना, जिस तरीके से वो बात करता है ना, वेरी वो ह्यूमरस सना है, वेस्ट तो बहुत लोग हैं, बिग हार्टेड। जो औरतें ना खाना बना रही हैं, मिसअंडरस्टूड का मतलब हाँ मिसअंडरस्टूड है उसमें सी मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि और वो डबलिन किलर ऑसम खतरनाक दबंग उनसे मिलके मुझे दो बार मिलते, उनसे मिलके बहुत मजा ही आता है, बस उनको देखते रहना अच्छा लगता है मुझे, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ही है उनको। उतना ही मैं भी एक्साइटेड हूँ इस घर में जाने के लिए, ट्रस्ट मी कि मैं बहुत खुश करूँगा कि आप लोग जिस उम्मीद के साथ है उस उम्मीद को पूरा करूँ और ये शो जीत के आऊँ। जस्ट लव मी एंड आई नीड दैट लव, जो इस बार मुझे और भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मैं डिज़र्विंग हूँ तो वोट करें, नहीं तो किसी भी डिज़र्विंग को ही वोट करें।